राज्यपाल से मुलाकात के बाद अखिलेश ने कहा कि हम महामहिम से यही गुजारिश करते हैं कि सोई हुई योगी सरकार को जगाने का काम करें ताकि प्रदेश में हो रही इन तमाम आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की है, उनको ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों पर अखिलेश ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि योगी सरकार को जगाने का काम करे राज्यपाल। महिलाओं खासतौर से बच्चियों पर बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक को ज्ञापन सौंपा है। अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार को जगाने का काम करे महामहिम। इसी बाबत कानून व्यवस्था के हालात पर उन्होंने चर्चा भी की है राज्यपाल से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात करने राजभवन पहुंचे थे। जा रहे हैं वहां पर भाई, एक चैम्बर में बैठ कर के अधिवक्ता के यहाँ घटना हो जाए। आखिरकार कैसे ये सब घटनाएं हो रही हैं? अगर कोई जिम्मेदार है तो सरकार, और सरकार ने ही खुली छूट दी हुई है। कार्रवाई हो, और जो बात माननीय गवर्नर साहब की तरफ से आती थी कि पूरे प्रदेश में सब यादव अधिकारी हैं, शायद आज एक भी यादव डीएम एसपी नहीं होगा। मैं बस महामहिम राज्यपाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था के बारे में आपने हमेशा सरकार को कहीं न कहीं जगाया है। मैं चाहता हूँ महामहिम राज्यपाल जी इस सरकार को भी जगाते हो। वहीं पार्टी के नेता आजम खान साहब के साथ लगातार झूठे मुकदमे, झूठी कार्रवाई, और प्रशासनिक ढंग से जो जानबूझकर की कार्रवाई की जा रही है जिससे कि उन्हें दबाया जाए या पार्टी के नेतृत्व को दबाने का काम जो कर रहे हैं, उसकी भी मैंने जानकारी महामहिम राज्यपाल जी को दी है। और हमें उम्मीद है कि महामहिम राज्यपाल सरकार को निर्देश भी दे सकते हैं, सरकार को जगा भी सकते हैं कि कम से कम अपराधी और जो झिंगल राज उत्तर प्रदेश में बना है उसको नियंत्रण में। तो कानून व्यवस्था के गिरते हालात पर चर्चा की गई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की है, उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से महिलाओं और खास तौर से नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध के मामले जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं, कई जिले हैं जहां से जघन्य अपराध की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए अखिलेश यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की और उनको अपना ज्ञापन सौंपा है। अखिलेश ने यहां पर राज्यपाल से इस बात की भी गुजारिश की है कि कानून व्यवस्था को लेकर के वो सरकार को चेताएं, अपनी चिंता जाहिर की है उन्होंने, सरकार को जगाने की बात कही है। राज्यपाल से मिलकर उनको अपना ज्ञापन सौंपा है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी सरकार को जगाने का काम करें महामहिम राज्यपाल राम नाईक। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात की है। यहां गिरती कानून व्यवस्था, खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर के अखिलेश यादव ने अपनी चिंता जाहिर की है और राज्यपाल से मुलाकात की है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने इन बढ़ते अपराधों पर चिंता जाहिर करते हुए एक ट्वीट भी किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक पे बैठक कर रहे हैं, लेकिन अपराधियों के हौसले दूसरी तरफ बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी अपराध पर अपराध कर रहे हैं और इस अपराध पर लगाम लगाने में उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही है। अलीगढ़ की घटना जिसकी देश भर में निंदा की गई, इसके अलावा हमीरपुर, मेरठ, तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ से बलात्कार, उसके बाद हत्या और गैंगरेप जैसे मामले सामने आए हैं। लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा ज़िला नहीं उत्तर प्रदेश का जहां से प्रतिदिन किसी घटना की खबर ना आती हो।
आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले बीते शुक्रवार को डिंपल यादव ने भी उत्तर प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था पर तंज कसा था, साथ ही साथ अपनी चिंता भी जाहिर की थी कि सरकार अपराध को कम करने में नाकाम साबित हो रही है। डिंपल यादव ने ट्विटर पर लिखा था कि बार काउंसिल अध्यक्ष दरवेश यादव की हत्या, मुजफ्फरनगर में नाबालिग बहनों के साथ रेप और अलीगढ़ में महिला बीडीसी को जिंदा जलाए जाने की कोशिश। और इस खबर को और विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ नेशनल वॉइस के